फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर टॉपिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट इन द केन्जियन फ्रेमवर्क, कि केन्ज की विचारधारा के अनुसार कहाँ पर इक्विलिब्रियम होते हैं। वी आर स्टडी क्या कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो किसका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो में इक्विलिब्रियम किसका होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, तो वहाँ हम किसकी बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की। लेकिन यहाँ हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ जिस चीज़ को हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ किसके संतुलन की बात करते हैं, ओनली डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ कहाँ पर होती है, वहाँ होती है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई जब होती है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको क्या है पीछे लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या थी, जो फाइनल गुड्स थी इन अकाउंटिंग ईयर, उन पर जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो प्लानिंग करते हैं खर्च करने की, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड है, चाहे वो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो वो जितनी भी वस्तुओं पर, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ये जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या थे। एक तो हमारा जो फाइनल गुड्स पर कौन खर्च करता है, हमारा सी, ये सी मैंने किसके लिखा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी कौन सा है, प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन पर किया गया खर्च है। आई तो हम क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट पर किया गया खर्च है, कि कोई गुड्स या तो हम कंज्यूमर गुड लेके आते हैं या हम क्या कर सकते हैं, कोई मशीन लेके आते हैं, तो मशीन पर किया गया जो खर्च है वो हमारा इन्वेस्टमेंट। प्लस जी गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्च। प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम हमारा क्या होता है, एक्स एक्सपोर्ट है, एम हमारा क्या है, इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको आप नेट एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमने पहले देखा था, तो ये एग्रीगेट डिमांड थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर मॉडल, आप हम प्लस टू का सिलेबस करें तो यहाँ हम ओनली टू सेक्टर मॉडल्स की बात करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो बाकी के दो चीज़ें थी इनको हम इरेज करते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, सिर्फ ये है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल सी प्लस आई, या तो कंजम्पशन की करेंगे या इन्वेस्टमेंट पर की करेंगे। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कि जितना प्रोड्यूसर ने क्या किया है, प्लान किया है एक काउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस करने का, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई से इनकम क्या होती है, जनरेट होती है। तो इसको हम किस नाम से पुकार सकते हैं, इनकम के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो इनकम को हमारा, ये हमारा होता है सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस में सेविंग। तो ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो हमने कहा था कि हम इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम क्या कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। दूसरा, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, कि जो अप्रोच होगी अब हमारे पास, क्या कौन सी अप्रोच होगी, फर्स्ट जो अप्रोच है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। सेकंड डिमांड, सेकंड जो अप्रोच है वो हमारी क्या होगी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो टू अप्रोचेज से हमने क्लासिकल का देखा था कि इन दोनों अप्रोचेज से वो इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखेंगे कि केन्स क्या कहता है इसके बारे में, केन्स के अकॉर्डिंग कहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो केन्स क्या बताता है, तो केन्स के अकॉर्डिंग हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, हम ये देखते हैं। तो केन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड हम कर चुके हैं कि केन्स के अनुसार क्या है हमारी एग्रीगेट डिमांड, कि जितना एक इंडिविजुअल है, आप हो, हम लोग हैं, जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं, वो किसी वस्तु की जितनी डिमांड करने की प्लान
प्लानिंग कर रही हैं वो एग्रीगेट डिमांड होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि हर एक की डिमांड को जोड़ देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। और जितने भी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया है उनको एक अकाउंटिंग ईयर में जो उन्होंने ये सभी क्या होते हैं प्लान होते हैं जो प्लानिंग की है कि प्रोड्यूस कर रही उसको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई आ जाती है। तो अब केन्स ने क्या माना है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ये हमें पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस में आई, तो या तो ये कंजप्शन पर होती है या ये इन्वेस्टमेंट पर होती है। अब हम क्या करेंगे, केन्स के अकॉर्डिंग एक पहले हम क्या लेते हैं, तालिका लेते हैं, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो ये हमारा इनकम है। अब मैंने कहा था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ क्या है, वाई के इक्वल है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम आई से स्टार्ट होता है, आई लिखते हैं, कंजम्पशन के लिए सी, गवर्नमेंट एक्सपेंसिस जी, इसके लिए हमने वाई शब्द क्यों लिखा इनकम के लिए। इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करेंगे हर बार ये जो इनकम है उसके लिए हम वाई शब्द लिखें, लेकिन क्यों, तो उसका भी एक कारण है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जब मैक्रो लेवल की बात करते हैं, तो सभी सेक्टर्स की इनकम को हम काउंट करते हैं, सभी सेक्टर्स की इनकम को जोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड, वाई आई ई एल डी। तो यील्ड शब्द किससे बनता है, वाई से बनता है, इसलिए इसका रीजन है कि यील्ड को हम क्या लिखते हैं, इनकम। तो इनकम ये नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए आई शब्द यूज़ कर लिया इसलिए इनकम के लिए आई यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका कारण ये है कि वहाँ से ये हमारी क्या होती है, यील्ड होती है, और यील्ड हमारी वाई से बनती है, इसलिए हमारा इनकम क्या है, एक यील्ड है, एक प्राप्ति है, और वो हम क्या करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल्स से ये सारा समझेंगे। इनकम का लेवल जीरो है, फिर 10 करोड़ है, 20 है, 30 है, 40 है, और फिर 50 है। अब कंजम्पशन है हमारा, कंजम्पशन यहाँ पर 10 है, 15 करोड़ है, 20 है, 25 है, 30 है, और फिर 35 है, ये हमारा कंजम्पशन है। तो इन्वेस्टमेंट देखो, कंजम्पशन ये वाला जो कंजम्पशन है ये एटोनोमस कंजम्पशन है, इसलिए इसको सी बार से मैंने डिनोट कर लिया। एटोनोमस कंजम्पशन कौन सा है, जो इनकम का लेवल जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, जीत रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, चाहे उसकी इनकम जीरो ही क्यों। एग्जाम्पल्स, आप स्टूडेंट्स हो लेकिन आपने क्या किया, जूते भी पहने हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं, आप खाना भी खाते हो, लंच बुक्स लेके आते हो, आपकी फीस भी पे की जाती है, लेकिन आप लोग कमा क्या रहे हो, जीरो, आपकी इनकम तो जीरो है, पर फिर भी क्या कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये वो कंजम्पशन है। तो इस कंजम्पशन को हम क्या कहेंगे, एटोनोमस कंजम्पशन। तो ये मेरा कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड है, एक बार ही किया जाता है ये, हालांकि क्या है, एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट पूरे टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो भी एटोनोमस है, उसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। अब फिर क्या है हमारा, अब एडी निकालते हैं हम, एडी किसके बराबर थी, हम सी प्लस आई, तो सी प्लस आई को जोड़ेंगे, तो एडी हमारा क्या हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 15 और 10 कितना हो गया, ये हमारा 25 हो गया, 20 और 10 30, ये हमारा हो गया 35, ये हमारा हो गया 40, और ये हमारा हो गया 45, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई। अब हम ध्यान देखेंगे, अब हम किस को निकालें, एग्रीगेट सप्लाई को निकालते हैं, जो सी प्लस एस, तो पहले हम किस को निकालेंगे, एस को निकालेंगे, एस मीन सेविंग। तो देखो अब हमारा क्या होता है, वाई इज इक्वल टू क्या था, सी प्लस एस, तो आपको जब सेविंग निकालनी हो, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को हमने क्या लिखा था, इक्वल टू वाई लिखा था, जब हमें सेविंग निकालनी है तो वाई माइनस सी कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग। इनकम में से हमें क्या घटाना, ओनली कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारे पास क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। तो देखो ये इनकम है और ये कंजम्पशन है, तो 0 माइनस 10 करेंगे तो सेविंग क्या होगी हमारी, माइनस की 10, फिर 10 माइनस 15 करेंगे तो सेविंग कितनी आ गई हमारी, माइनस की 5, अब 20 माइनस 20 की तो सेविंग हमारी आ गई 0, अब हमारा 30 माइनस 25 किया, सेविंग आ गया प्लस का 5, फिर 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 35 ये हमारा 15 आ गया।
तो ये हमारी क्या है, सेविंग है। अब हम क्या निकालेंगे, एग्रीगेट सप्लाई विच इज द अदर नेम ऑफ नेशनल इनकम। तो ये वाला आना चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सी प्लस एस, तो सी को और एस को जोड़ दें, 10 माइनस 10 0। अब हमारा क्या हो गया, 15 माइनस 5 10, 20 माइनस 0 20, 25 माइनस 5 सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई ऐड करना है हमें, 10 प्लस के माइनस 10 0, 15 प्लस में माइनस 5 10, 20 माइनस प्लस 0 20, 25 प्लस 5 30, अब 30 प्लस 10 40, और 35 प्लस 50 50। अब ये वाली रो और ये वाली देखो सेम आई हुई है हमारी, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये राइट है जो हमने कहा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो इस प्रकार से ये वाली हमारी रो बनी है। अब हम क्या करें, अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर है। कि इक्विलिब्रियम लेवल तो वहां पर होगा जहां पर हमारी क्या हुई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो वो पॉइंट देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पर बराबर है। देखो 40 करोड़ ये है, 40 करोड़ ये है, इस लाइन पर हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करें। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ कि ये हमारे लिए यूज नहीं है इसका। तो देखो ये हमारी इस तरह आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट इनकम ले सकते हैं, वाई से कर रहे हो या पूरी इनकम लिख सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट हम लिख सकते हैं। इस साइड हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड हमारी। तो ये है हमारी इनकम जो 45 डिग्री की रेखा से जा रही है। अब हमारी डिमांड कहाँ से है, देखो पूरा लेवल बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के लेवल से स्वतंत्र है, कि इनकम इतनी हो ये इतना ही रहेगा, जो कितना है 10 करोड़ है। अब हमारा कंजम्पशन क्या है, एक बात समझ लो, इनकम का अर्थ कंजम्पशन का संबंध कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। और जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डायग्राम क्या से बनता है, अपवर्ड। लेकिन जब नेगेटिव रिलेशन हो तो डायग्राम कैसे बनता है, डाउनवर्ड। तो अब हमारा कैसे गया, अपवर्ड गया है किसी का जो है। अब कई बार आता है कि आप लोग सोचोगे कि यहाँ से बनाया है, कई बार बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो यहाँ से बना देते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है कंजम्पशन लेवल, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 करोड़ लिया है और मेरा इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ है, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। लेकिन जरूरी नहीं है आप कंजम्पशन 10 करोड़ लो, यहाँ आप 20 करोड़ ले सकते हो, तो एडी हमारी क्या हो जाएगी, 30 करोड़ हो जाएगी। तो उस समय आपका यहाँ से सी स्टार्ट होगा और एडी फिर और भी ऊपर से शुरू होगा। तो अब हम इसके अंदर कंजम्पशन के अंदर ये वाला और जोड़ेंगे 10 10, तो बिल्कुल इसके समानांतर अपवर्ड स्लो, ये हमारा क्या हो गया, एडी हो गया। अब हमें तो क्या देखना था, इक्विलिब्रियम लेवल देखना था कि कहाँ पर हमारी इनकम जो है उसका इक्विलिब्रियम होगा, आउटपुट का इक्विलिब्रियम होगा या एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कहाँ पर होगा, ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पर हमारी क्या है, एडी और एएस दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। तो ओपी या ओ क्यों आउटपुट होगा हमारी इकोनॉमी में, या ओ एल लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। अब जो चीज नेसेसरी है हम उनको रख करके बाकी को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। नेसेसरी हमारे लिए क्या है, हम हमारे लिए सिर्फ दो ही चीजें नेसेसरी है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये चीजें हमारे लिए क्या थी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दो ही चीजों की जरूरत है हमें, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड। अब क्या हुआ, इसको आगे तक ले जाएंगे। अब दो सिचुएशन बनी है हमारे, ये एग्रीगेट डिमांड
ओसी सिस्टम है। अब एक तो सिचुएशन ये वाला है, इसको हम क्या कर देते हैं, फिलोसा कर देते हैं, ये वाला एरिया है। दूसरा हमारा ये वाला एरिया, यहाँ पर देखिएगा ये इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर जितने लोग, जितनी हमारी आउटपुट की प्लानिंग थी उतनी ही हमारी डिमांड की प्लानिंग थी, दोनों सेम है। जितना प्रोड्यूस होता है उतना सारे का सारा बिक जाता है, कोई एक्सेस डिमांड नहीं, कोई एक्सेस सप्लाई नहीं, जितना प्रोड्यूस किया वो सारे का सारा सेल हो गया। अब लेकिन सिचुएशन जब ऐसी होती है, इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पर होगा, इससे आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो ये एग्रीगेट डिमांड है, ये ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग जो लोगों की मांग क्या है वो अनसेटिस्फाइड रहती है, कि लोगों की जो प्लानिंग खर्च करने की है वो तो ज़्यादा है, और जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, प्रोडक्शन कम रहा है वो ज़्यादा रहा है, तो इस साल उनके पास कोई स्टॉक नहीं है, सारा स्टॉक खत्म हो चुका है, तो आगामी ईयर वर्ष जो है वो डिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस करने की योजना बनाएंगे, ज़्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी और वो फिर से इस इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगी दोनों। अब इस साइड हमारा क्या होता है, इस एरिया में यहाँ पर क्या है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है वो ज़्यादा है, किससे, एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, इसमें जो प्लानिंग रही है किसकी, डिमांड की, वो तो कम है, डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई क्या हो जाती है, ज़्यादा है, जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो इकट्ठा हो जाता, चाहा नहीं था कि इतना इकट्ठा हो गया लेकिन वो हो गया, तो उस अनडिजायर्ड स्टॉक को कम करने के लिए आगामी ईयर प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करने की प्लानिंग करेंगे। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इसके फलस्वरूप एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी और हम इस तरफ आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्या होगा, ई पर गिर होगा, तो सेल्फ एडजस्टमेंट होगी, इस साइड थे तो हम इस साइड चले गए, उस साइड थे तो भी हम इस साइड चले गए, इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कहाँ पर हुआ, ओके मात्रा पर हुआ, कि आउटपुट हमारा ओ क्यू भी होगा या ओ एल लोगों को हम रोजगार देंगे, तभी हमारा क्या होगा, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा। ये तो कौन सी अप्रोच थी हमारी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। लेकिन अब हम एक और अप्रोच देखते हैं, तो उसका नाम हमारा क्या है, हमने दूसरी अप्रोच देखी थी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखिए, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 40-40 करोड़ से है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी क्या है, इक्वल है, वो कितनी है, 10 करोड़ सेविंग है और 10 करोड़ ही हमारी क्या है इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों इक्वल है। तो उनका इक्विलिब्रियम हम किस प्रकार से देखें, तो उनका इक्विलिब्रियम जानने के लिए हम करते हैं कि यहाँ से हम इसका कुछ पोर्शन अब हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ये वाला डायग्राम इरेज कर देते हैं, तो यहीं से हम इसको यहाँ से इरेज कर दिया, इसको हम नीचे ले आए और इस पॉइंट को जो इक्विलिब्रियम लेवल था वो हम नीचे ले आए। अब क्या हुआ, हाँ हमारा इस साइड हमारी क्या हो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो हमने माना है कि वो स्थिर है। अब हमारी सेविंग कितनी होंगी, देखो सेविंग हमने क्या माना था, जितना कंजम्पशन ऊपर से है ये प्लस 10 है तो सेविंग क्या होगी, माइनस 10 होगी, तो इस तरह से ये हमारी जाएगी, तो यहाँ से शुरू होगी ये हमारी सेविंग है, तो यहाँ पर भी इनकम एंड आउटपुट ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, वहां पर इक्विलिब्रियम है ओ क्यू आउटपुट पर, तो यहाँ पर भी ओ क्यू आउटपुट है और ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है, जहां पर क्या होती है हमारी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। अब क्या है हमारा, उसी प्रकार से इसमें भी हमारा है टू फेजेज है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला फेज हम क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, तो यहाँ हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग कम है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसका मतलब प्रोडक्शन क्या है हमारा, प्लानिंग प्रोडक्शन की ज़्यादा है और सेविंग क्या है हमारी कम है, और इस साइड से हमारा क्या है,
जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है और सेविंग है वो ज़्यादा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन को कम करने की योजना बनाएंगे तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग कम होगी और फिर से यहीं पर आ जाएगी। इस साइड क्या करेंगे, वो ज़्यादा की प्लानिंग बनाएंगे, ज़्यादा की प्लानिंग बनाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी और वो फिर से कहने का मतलब इसी तरह भी हम यहाँ से इस साइड आ जाएंगे और यहाँ से इस साइड चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कहाँ पर होगा, ई पॉइंट पर होगा। तो ये किसने दिखाया, केन्ज के अकॉर्डिंग। हालांकि क्लासिकल्स और केन्ज में काफ़ी डिफरेंस है। क्लासिकल क्या मानते थे कि जहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, लेकिन ये लोग कहते हैं, जो क्लासिकल कहते हैं वो ये कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, लेकिन केन्ज कहता है कि जरूरी नहीं है फुल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट हो, फुल लेवल पर इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम कहीं भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम तो वहाँ पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है। तो इसलिए के कारण उसने क्या माना है, उसने कहा है कि जब तक हमारा पूर्ण रोजगार इकोनॉमी में नहीं आ जाता होता तब तक क्या है, जिस अनुपात में हम क्या है रोजगार बढ़ाते हैं उसी अनुपात में सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई क्या है हमारी, पूर्णतया लोचील है हमारी, परफेक्टली इलास्टिक है वो, कि उसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ तो सप्लाई क्या थी, बेरोजगार थी, तो वो क्यों थी, क्योंकि वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट मानकर चलते थे, लेकिन इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं माना। ये तो केन्ज की थ्योरी क्या कहती है कि जब तक हमारा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं आता उससे पहले जिस अनुपात में हम रोजगार बढ़ाएंगे सप्लाई को उसी अनुपात में बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या थी हमारी, केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, केन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो टू अप्रोचेज थी, तो दोनों अप्रोचेज के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लासिकल्स क्या मानते थे, वो मानते थे सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट केन्ज क्या मानता है, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई हमने देखा इनकम है, कि इनकम का है, इनकम कम है तो सेविंग भी कम है, इनकम ज़्यादा है तो सेविंग भी ज़्यादा होती है। एक निश्चित लेवल के बाद व्यक्ति क्या करने लग जाते हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती है वो कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद आय जिस दर से बढ़ती है वो कंजप्शन उस दर से नहीं बढ़ा रहे, बढ़ा तो रहे हैं लेकिन कम बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर सेविंग होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती रहो, लेकिन जब इनकम ही नहीं होगी तो हम सेव कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों में कुछ मेन डिफरेंसेस थे हमारा क्लासिकल में, और उसमें मेन डिफरेंस तो यही है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम मानता था, ये तीन अलग अलग सिचुएशन में कौन सी अलग अलग सिचुएशन में मानता है, ये हम अपने कल के लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक्स अ लॉट।